So, a uh, very good morning to all of you. Once again, we will start our revision of chapter 12. We will continue from the last topic. Last topic will be, what is this? Last topic will be, we have discussed in our class what uh, multiplicative inverse of uh, exponent and expanded form. Okay, fine. Now, we will laws of exponent. There are many laws of exponents, but... दे आर स्टैंडर्ड लॉज जब भी आप ये लॉज को जब आप पढ़ते हो जब आप रीड करेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरह के हो क्योंकि ये लॉज ऑफ़ एक्सपोनेट नेक्स्ट आपके हायर क्लासेस में भी यूज़ होंगे ठीक है फर्स्ट विल बी सपोज फर्स्ट विल ए रिज टू द पावर एम इन टू ए रिज टू पावर एन बेस आर इक्वल आपको ये देखना है यहाँ पर बेस आर इक्वल ओनली एक्सपोनेंट आर डिफरेंट बट मल्टीप्लाई साइन तो अब आप क्या करेंगे बेस और पावर को क्या कर लेते हैं हम इसमें प्लस जब बेस आपके इक्वल है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई करें तो एड इज फॉर एम इंटू एड इज पॉर एन इज इक्वल टू एर इज एम प्लस एन ठीक है ये है लॉज आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एड फॉर एम डिवाइडेड बाई एस्ट पॉर एन इज इक्वल टू एट इज टू पावर डिवाइड आ रहा है तो एम माइनस एन क्या होता है सेकेंड लॉ जब भी कोई बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है और डिवाइड कर दे तो आपको क्या करना है पावर को माइनस कर देना ठीक है, है अब थर्ड लॉ एट इज टू पावर एम फोर इज टू पावर एन जब एक बेस है पर पावर डिफरेंट है अब यहाँ पर जो भी इनविजिबल साइन होता है ये कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाइड का ठीक है तो मल्टीप्लाइड का साइन हो रहा है तो a पॉवर एम इंटू एन आपके पास में क्या होगी थर्ड लॉ जब एक बेस सिंगल बेस हैविंग डिफरेंट पावर्स बट देर विल बी इनविजिबल साइन वॉट इज दिस मल्टीप्लाई तो दोनों पावर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे a इज पॉर एम इन टू एन फोर्थ वन इज जब भी किसी पावर का बेस का पावर ज़ीरो है जब बेस कोई भी बेस हो उसका पावर उसका एक्सपोनेंट जीरो है तो ऑलवेज स्टैंडर्ड वैल्यू वन ठीक है जब भी किसी बेस का पावर ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है सो देयर आर फोर्थ स्टैंडर्ड लॉज दे आर यूज इन योर नेक्स्ट और क्लासेस ऑल्सो सो हमने फोर्थ वन आपका लॉ जो था वो क्या था एरिस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जब भी किसी बेस का पावर जीरो होता है तो आपका आंसर क्या होगा वन अब हमारे पास में फिफ्थ नंबर का लॉ है क्या है एक्स इंटू वाई जब बेस आपके डिफरेंट है और पावर आपका सिंगल है दैन वॉट इज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिस एक्स रेज टू पावर एम इंटू वायर टू द पावर एम वॉट इज दिस इफ मल्टीप्लाई साइन देन एक्स ट पावर एम इं टू पावर एम then next last law will be used uh, sixth number x divided by y is equal to rest to the power m x divided by y raised to the power m is equal to x raised to power m divided by y raised to the power m so there are six laws used in this co in this chapter and in this exercise 13 12.2 uh, okay so we start our questions Depending upon these laws. So, exercise 12.2 uh, evaluate what we have questions. Express each of the following uh, in exercise 12.2. Question number 1 is that express each of the following with a positive exponent. Exercise 12.2 in question 1. Express each of the following with a positive exponent. Means number वन is that फाइव to power one minus two. आप इसको change कैसे करेंगे positive में जब किसी base का power negative होता है तो आपको मैंने इसमें पहले class में भी बताई थे क्या जब आपका power यहाँ पर base के ऊपर में जो exponent है ये negative है इसको positive करने के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए denominator में कोई नंबर नहीं होता बट ऑलवेज वन ठीक है बेस नेगेटिव बेस सिंगल पावर इसका पावर जो है नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका क्या करना है आपको रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गोज टू डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर जब भी आपको किसी नेगेटिव बेस का एक्सपोनेंट का जब भी आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो आप इसका रेसी प्रोकर कर लेंगे अब इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं वन अपॉन फाइव एज टू टू अपावर टू मीन्स वन बाय फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी फाइव वॉट इज योअर आंसर वन बाय ट्वेंटी फाइव दैन सिमिलर क्वेश्चन आर देयर देन यू विल सॉल्व दिस बिकॉज दिस एक्सरसाइज दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू इसमें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ अ नेगेटिव एक्सपोनेंट अब इसमें क्या करना है आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाना नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए क्या होता है जो आपका पॉजिटिव है तो आपको उसको नेगेटिव करना है सिमिलर रेसिप्रोकल कर देना ठीक है अब हमारे पास में हम करेंगे सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई के लिए क्वेश्चंस ले रहे हम ए क्वेश्चन है सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्वेश्चन नंबर टू एट टूट टू द पावर माइनस वन इंटू फाइव रेस्ट टू द पावर टू डिवाइडेड बाय टू रेस्ट टू द पावर फोर ठीक है आपको इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एट रेस्ट टू द पावर माइनस वन इंटू फाइव फाइव स्क्र डिवाइडेड बाय टू रेस्ट टू पावर फोर फर्स्ट ऑफ आपको क्या करना है इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है कैसे करेंगे जो आपने अभी किया था इसके पहले वन अपॉन रेसिप्रोकल ओकर वन अपॉन एट इंटू फाइव इंटू फाइव फाइव इंटू फाइव ठीक है फाइव स्क्वायर का मतलब क्या हो गया फाइव इंटू फाइव डिवाइडेड बाय टू रिस्ट पावर फोर टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू ठीक है क्या हो गया आंसर वन अपॉन एट इंटू फाइव इंटू फाइव इसको कैसे करेंगे हम वन अपॉन एट इंटू ट्वेंटी फाइव ठीक है वन अपॉन एट इंटू ट्वेंटी फाइव वट इज़ दिस वन बाई एट इंटू फाइव इंटू फाइव डिवाइड बाई टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू वन बाई एट इंटू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव बाई एट क्या हो गया इसका ट्वेंटी फाइव बाई एट डिवाइडेड बाई टू टू जो फोर टू जो एट टू जो सिक्सटीन ठीक है आप

सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे सेम मेथड सेम लॉस ट्वेंटी फाइव इंटू टी एस्टू पावर माइनस फोर वन अपॉन टी एस टू पावर फोर ओके फाइव एस पावर माइनस थ्री वन अपॉन फाइव एज पावर थ्री इंटू टेन इंटू वन अपॉन टी एज पावर एट यहाँ तक समझ में आए ट्वेंटी फाइव इंटू वन अपॉन टेरिस्ट पॉवर फोर डिवाइडेड बाई वन अपॉन फाइव क्यूब इंटू टेन इंटू वन अपॉन टेरिस्ट पॉवर एट अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम ट्वेंटी फाइव इंटू सॉरी ट्वेंटी फाइव अपॉन टेरिस्ट पॉवर फोर ठीक है डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस वन बाय फाइव इंटू फाइव इंट फाइव वन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव इंटू टेन इंटू वन अपॉन टीर एस टू पावर एट ठीक है ट्वेंटी फाइव अपॉन टी रेस पावर फोर डिवाइडेड बाय वन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव इंटू टेन इंटू वन बाय टी एज टू पावर एट अब हमने इसको सॉल्व करें, तो क्या होगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टीर एस टू पावर फोर ठीक है डिवाइडेड बाय टेन इंट वन इंटू वन टेन डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी फाइव इंटू टी एज टू दावर एट ठीक है यहाँ तक हो गया आपका अब इसके आगे प्रोसीजर है सेम मैथड आपको रेसिपर करना है कैसे ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टी रिस्ट पावर फोर इंटू वन ट्वेंटी फाइव इंटू टी रिस्ट पावर एट डिवाइडेड बाय टेन ठीक है डिवाइडेड बाई टेन अब क्या होगा ये टी रिस्ट पावर फोर और टी रिस्ट पावर एट ये कैंसल हो जाएंगे यहाँ पर है फोर पावर ये है एट ऊपर गया आपका न्यूमरेटर में तो एट माइनस फोर ट्वेंटी फाइव 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 जवेंटी फाइव फाइव टू जेन ओके आप आंसर देखो फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव इंटू टी पावर एट माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू ये माइनस फोर क्यों हुआ जब डिनोमिनेटर का नंबर टर में जा रहा है तब इसका रेसिप्रोकर हो गया तो ये ग्रेटर नंबर है इसलिए हमने डीमिनेटर के स्मॉलर नंबर को न्यूमोरेटर में ले गए तो एट माइनस फोर टेर फोर फाइव फाइव ट्वेंटी अब ये आंसर आपका है फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव इंटू ट्रज फोर अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है हमें कैसे फाइव फाइजा ट्वेंटी फाइव फाइव टू जन ट फाइव वन जो फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू इंटू टी एज टू द पावर एट माइनस फोर फोर आपका आंसर क्या हो गया फाइनल आंसर सिक्स टू फाइव डिवाइडेड बाई टू इंटू टी रिज पावर फोर आपका क्वेश्चन क्या था ट्वेंटी फाइव इंटू टी एस पावर माइनस फोर डिवाइड बाई फाइव एज टू माइनस थ्री इंटू टेन इंटू टी पावर माइनस एट तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर फाइनल क्या है सिक्स ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू इन टू टी रेज टू द पावर फोर अब हमने अभी तक के सिम्प्लीफाई का जो यूज़ किया सिंप्लीफाई कैसे किया है लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट जो पावर के जो लॉज है उसको यूज़ करके अब सेकेंड एक क्वेश्चन नंबर फाइव में सिम्प्लीफाई में सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है क्या इसका बेस नेगेटिव है कोई बात नहीं डिफरेंस है तो बेस नेगेटिव है हम इसको भी सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट सी सो so, अभी तक के हमने सिम्प्लीफाई में पढ़ा था अब ये सिंप्लीफाई यहाँ पर हम करेंगे माइनस फोर एज टू थ्री इंटू माइनस थ्री रेस टू टू डिवाइडेड बाई माइनस फोर एज टू फाइव इंटू माइनस थ्री रेज टू थ्री कैसे सॉल्व करना है सी यहाँ पर ये बिगर नंबर है फाइव माइनस फोर बेस ये इक्वल है पर ये ग्रेटर है तो ये नंबर हमने नीचे लेकर आ गए तो वन माइनस फोर टू फाइव माइनस थ्री कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है ए एज पावर एम डिवाइडेड बाय ए एज पावर एन ठीक है इन टू यहाँ पर भी देखो ये थ्री है ये टू है तो यहाँ पर वन इंटू माइनस थ्री रेस्ट टू द पावर थ्री माइनस टू ओके वन इंटू वन वन माइनस फोर रेस्ट टू द पावर फाइव माइनस थ्री टू इंटू माइनस थ्री फोर इज द पावर वन आंसर आ रहा है ठीक है अब माइनस फोर होल स्क्वेयर जब भी आपका बेस आपका बेस नेगेटिव है बट पावर इवन है तो आपका ये माइनस फोर इंटू माइनस फोर क्या हो गया आंसर माइनस फोर इंटू माइनस फोर वन अपॉन सिक्सटीन इंटू माइनस थ्री इंटू अरेज टू पावर वन माइनस थ्री वॉट इज योर आंसर वन बाई माइनस फोर्टी एट आपका आंसर क्या हो गया माइनस वन अपॉन फोर्टी एट क्या किया हमने पहले बेस ये इक्वल है जब आपका पावर यहाँ पर ग्रेटर है फाइव तो यहाँ पर क्या हो गया डिनोमिनेटर में लेकर आ गए ये नंबर कम्प्लीट नंबर यहाँ पर हो गया तो वन अपॉन माइनस फोर इस टू फाइव माइनस थ्री माइनस थ्री होल स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस थ्री क्यूब तो यहाँ पर वन अपॉन माइनस थ्री इज टू थ्री माइनस टू वन अपॉन माइनस फोर होल स्क्वायर इंटू माइनस थ्री माइनस फोर इंटू माइनस फोर सिक्सटी माइनस थ्री इज टू वन माइनस थ्री वन अपॉन माइनस फोर्टी एट आपके पास में आंसर क्या हो गया इसका माइनस वन अपॉन फोर्टी एट अब एक और क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू कैसे थ्री रिज टू द पावर एक्स इन टू नाइन इज इक्वल टू एटी वन ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द आंसर ऑफ जो पावर आपका एक्स है इसके वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे थ्री इज फॉर एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज दिस नंबर एटी वन डिवाइड मल्टीप्लाइड साइन गोज टू राइट साइड चेंजेस टू डिडेड व्हाट इज दिस नाइन नाइन वन जा नाइन 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 जटी वन थ्री रेस्ट पॉवर एक्स इज इक्वल टू नाइन इज इक्वल टू नाइन इज इक्वल टू थ्री इज पॉवर टू तो अब इसको इक्वल करेंगे हम थ्री रेस्ट पॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री रेस्ट पावर टू सो अब जब बेस इक्वल है तो पावर को इक्वल कर दो तो आंसर क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू टू आपका आंसर क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू टू ठीक है अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो आपको बहुत अच्छी तरह समझना है कैसे टू रिस्ट पावर जीरो प्लस थ्री रिस्पाव जीरो प्लस फोर रिस्ट पावर ज़ीरो वॉट इज़ द आंसर एनी टाइम एट इस्पाव जीरो इज इक्वल टू वन तो टू रिस्पॉ जीरो इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री सो आपके पास में ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ये बहुत इजी क्वेश्चंस है इसकी प्रैक्टिस आप हमेशा करें तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस में सारे लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट्स आपको यही यूज़ करने हैं चाहे नाइन्थ हो चाहे टेंथ हो ठीक है